हमने TVS विक्टर की करंट प्रॉब्लम पे और यहाँ पे जो सॉकेट जाता है ये देखिए जो पीली तार रहती है ये लाइटिंग की और ये काली वाली जो अर्थ की रहती है और ये जो दो रहती हैं ये दोनों सफ़ेद और ये हल्का पिंक ये पिकअप कॉइल की रहती है और ये अर्थ की रहती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे करंट चेक किया ये लाइटिंग कॉइल पे, यहाँ पे नहीं आ रहा। CDI पे चेक किया तो बैटरी का प्रवाह पावर बराबर जा रहा था और फिर फाइनली हमने पूरा चेकअप करने के बाद हमने अपनी ये कॉइल फील्ड खोला है और कॉइल फील्ड को देखिए क्या हालत हो रखी है। ये देखिए पूरे दोनों नट खुल चुके हैं। ये देखिए ये क्या हो रखा है, इसका पूरे मैग्नेट के बोल्ट खुल चुके हैं जो सेल्फ प्लेट रहती है उसकी, और इसकी वजह से हमारी मैग्नेट की क्या हालत हो रखी है। ये देखिए इस तरह से हमारी कॉइल फील्ड पूरी ख़राब हो चुकी है। तो कॉइल फील्ड नई रिप्लेस करते हैं, नई डालते हैं इसमें और दिखाते हैं इसका क्या है, ये सेल्फ का प्रॉब्लम। इसको भी वन वे प्लेट, ये देखिए वन वे, और ये हमारी वन वे प्लेट TVS विक्टर, इसको असेंबल करते हैं। देन हमारी कॉइल फील्ड, ये देखिए मुकुट की, इसको असेंबल करते हैं। इसकी MRP दिखाना चाहूँगा, 1304 रुपये है, और इसको फिट करते हैं फिर दिखाते हैं। चलिए दोस्तों अपनी वन वे प्लेट और कॉइल को फिट करते हैं अपने मैग्नेट पे, यहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों को क्या कैसा है। ये हमारे सारे पार्ट्सों को धुल लिए हमने। चलिए दोस्तों हमने ये पिकअप कॉइल के नट और ये अपनी कॉइल फील्ड के नट दोनों को स्क्रू को अच्छे से तरीके से कस लिया हमने, ये देखिए, और ये वन वे प्लेट भी हमने असेंबल कर दिया है। और ये गियर इसको भी बिठाते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए फाइनली बैठ गया है, और बाकी का ये हमारा सेल्फ का गियर, इसको भी असेंबल करते हैं। हमने अपने मैग्नेट कस चुका है और यहाँ पे सेल्फ का गियर भी असेंबल कर चुके हैं और अपने कॉइल फील्ड पे यहाँ पे रेसी बाउंड अप्लाई करके देन पैकिंग को अप्लाई करेंगे, यानी इसके बाद इसको कवर को फिक्स करते हैं। दिखाते हैं आप लोगों को क्या कैसे स्टार्ट करके गाड़ी को। पहले दोस्तों हमने इसको मैग्नेट कवर को फिट कर चुके हैं और ये हमारे सॉकेट, इसको मिलाते हैं, ये देखिए, और ये सब इसको असेंबल करते हैं। ये देखिए ये हमारे RR यूनिट पे डायरेक्ट जाएगा कुछ इस तरह से, इस तरह से। ये अपने RR यूनिट पे बैठ गए, यानी दो सॉकेट रहेंगी, दोनों सॉकेट में से एक रेड कलर की जो वायर है मोटी वाली वो यहाँ पे बैठेगी ये वाले में कुछ इस तरह से। ये देखिए दूसरा सॉकेट यहाँ पे, ये वाइट कपलर पे बैठेगा यहाँ पे। ये कुछ इस तरह से बैठ जाएगा। देन हमारी ये सॉकेट, एक जो न्यूट्रल की रहेगी ये वाली न्यूट्रल की, और ये रहेगी पिकअप कॉइल, कुछ इस तरह से पिकअप कॉइल वाली सॉकेट में, कुछ इस तरह से पिकअप कॉइल के सॉकेट में बैठ जाएगा। देन ये अपनी न्यूट्रल की न्यूट्रल वाले में, ये देखिए यहाँ पे, देन इस तरह से हमारी सारी वायरिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। देन हम इसमें थोड़ा सा ऑयल जो भी रहता है इंजन में, इंजन ऑयल 1 लीटर असेंबल करते हैं। देन सभी अपने ये पेट्रोल पाइप और ये सब चीज़ों को सेट करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों ये देखिए हमने इग्निशन ऑन कर लिया है, और ये देखिए यहाँ पे प्लग पे हमने प्लग फंसा के रखा है, ये देखिए करंट, ये देखिए इतना मस्त शानदार आई करंट आ रहा है। और यहाँ पे हम प्लग को असेंबल करते देन ऑयल अप्लाई करते हैं, इस पर दिखाते हैं आप लोगों को चालू करके। फाइनली दोस्तों हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, ये देखिए इसका साउंड, और कैसी लगी वीडियो हम कमेंट करके ज़रूर बताएं।